जैसे जैसे आपको सक्सेस मिली है ना, कितने लोग इंस्पायर हुए हैं, कितने लोग आपके ऑरे को पसंद करने लगे हैं? भाई मैं ये सब भूल गया था, अभी तुमने याद दिला देना, मैं अब चढ़ जाऊंगा इन चीज़ों में ना। अब मैं भूले बैठा था, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ था, अब इनने मुझे 2 इंच ऊपर कर दिया। जब आप बिग बॉस में थे, आपको अंदाजा था एल्विश भाई कि जिस तरीके का स्टार्डम आपका बाहर हो चुका है, जिस तरीके की एल्विश की आर्मी बन चुकी है, आपने कभी ये फील किया था कि भाई दुनिया इतनी ज्यादा क्रेजी है मुझे ले गई है? बट जो बिग बॉस के बाद हुआ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एकदम से इतने सारे लोग आ सकते हैं देखने आपको, आपकी पर्सनैलिटी को लाइक कर सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं हर जगह से, और इतना आज तक देखा है। इसका घर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हो रहा है, इंटीरियर अभी डिजाइन होना है। तो एलविश उस घर की कितनी खुशी है अभी? मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे को शो करते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ मी, और मैं तो ये सोचता हूँ कि खुद भी ग्रो होना है, अपने मेरे भाई बंधु हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। सो जी, चंडीगढ़ की आज जनता बड़ी खुश होगी, बिकॉज सिस्टम आया खुद हमारे पास चल के, मतलब एलविश यादव भाई आया। भाई स्वागत है चंडीगढ़ में आपका। भाई स्वागत तो दूसरी जगह पे करते हैं, ये तो अपना घर है भाई, यहाँ पे क्या स्वागत कर रहे हो आप? चंडीगढ़ इज़ माय होम। क्या बात है भाई। एलविश भाई, मतलब जैसे जैसे आपको सक्सेस मिली है ना, कितने लोग इंस्पायर हुए हैं, कितने लोग आपके ऑरे को पसंद करने लगे हैं, कितने लोग एलविश यादव जो रियल है उसको पसंद करने लगे हैं, है ना? तो एलविश इस सारी पॉजिटिविटी को, है ना, एलविश कितना खुद में, बिकॉज एक फेम मिलना इस तरीके का बड़ा ग्रैंड लेवल का होता है, और स्ट्रगल से उठ के यहाँ तक पहुँचना, एलविश को कितना इसमें मज़ा आया, या कितना इस जर्नी को एलविश ने स्पेशल इन्जॉय किया? भाई मैं ये सब भूल गया था, अभी तुमने याद दिला देना, मैं अब चढ़ जाऊँगा इन चीज़ों में ना। अब मैं भूले बैठा था, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ था, अब इनने मुझे 2 इंच ऊपर कर दिया। तो देखो मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैं बहुत मज़े काट रहा हूँ अपनी लाइफ में, भगवान की दया से सब कुछ है, और लोगों का इतना प्यार है, ब्लेसिंग है बहुत लोगों की, और बस देखो ये सारी चीज़ें हों, बट इसके साथ बुरी चीज़ें भी आती हैं, उन सबको इग्नोर करके आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, वो चीज़ कैसे फिगर आउट करनी है, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ भाई। एक चीज़ ना बड़ी मस्त में देखने को मिली, वो है जिगरा। बंदे का जिगरा भाई कितना मजबूत होना चाहिए, मेरे को ये बात बताओ, बिकॉज एलविश का जिगरा जो हमने देखा है ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। जिगरा तो देखो होना चाहिए भाई, अगर आप कोई चीज़ को ठान रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो कर दो उस चीज़ को, सोचो मत ज़्यादा। और कई लोग होते हैं कि 2 स्टेप पीछे ले लेते हैं, डर जाते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वो ये भी बोल सकते हैं उसको कि समझदारी है लोगों में, कि उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट जब तक लाइफ में रिस्क नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं है, एडवेंचर नहीं है भाई। जितनी सक्सेस आपको मिली है ना, और जैसे जैसे आप, एक मिनट मेरी बात सुनो, जैसे जैसे आप अचीव करते गए हो, जैसे कि घर हो गया भाई, गाड़ियों का शौक हो गया, मतलब इस चीज़ की खुशी अलग ही होती है एलविश भाई, अपनी मेहनत का। जब इंसान का घर बनता है ना, पूरी उम्र बंदा मेहनत करता है कि अपने घर बनाने के लिए, बट आज तक देखा है एलविश का घर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हो रहा है, इंटीरियर अभी डिज़ाइन होना है। तो एलविश उस घर की कितनी खुशी है, बिकॉज मैं जैसे जैसे आपके ब्लॉग्स देखता हूँ ना, आपकी माता जो आपकी मम्मा है ना, उनके चेहरे पे एक अलग खुशी है कि चल मेरा बेटा कामयाब है, अपना घर बनने जा रहा है, हर एक चीज़ की खुशी होती है भाई। यार देखो पेरेंट्स के लिए बड़ी प्राउड की बात होती है कि उनका बच्चा लाइफ में अच्छा करे, ग्रो करे, उनका एक घर हो खुद का। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे को शो करते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ़ मी, और मैं तो ये सोचता हूँ कि खुद भी ग्रो होना है, अपने मेरे भाई बंधु हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, प्लस जितने लोग मुझे देख रहे हैं बस जो मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर अमल कर सकते हैं, और मेरी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं मेरी लाइफ को देख के। तो भाई जब आप बिग बॉस में थे, आपको अंदाज़ा था एलविश भाई कि जिस तरीके का स्टार्डम आपका बाहर हो चुका है, जिस तरीके की एलविश की आर्मी बन चुकी है, आपने कभी ये फील किया था कि भाई दुनिया इतनी ज़्यादा क्रेजी है मुझे ले गए, या मेरे काम को लेके? डेफिनेटली जो भी आपने किया है, व्लॉग्स किए हैं, जो भी आपने ज़िंदगी में अब तक किया है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इतने लॉयल और इतने ऑनेस्ट फैंस मेरे बनेंगे? नहीं देखो बिग बॉस ने मेरे को पैन इंडिया के लोग दिए हैं जो प्यार करते हैं मुझे। बिग बॉस से पहले भी काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छा था, लोग प्यार करते थे, बट जो बिग बॉस के बाद हुआ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एकदम से इतने सारे लोग आ सकते हैं देखने आपको, आपकी पर्सनैलिटी को लाइक कर सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं हर जगह से, और इतना गैंग लीडर बने हो, और इंसान इस समय की स्पेशली वेट करता है। तो पहले लीडर थे, अब गैंग के पूरे लीडर बन चुके हैं भाई, तो इस चीज़ का अब एलविश की क्या प्रेपरेशन है अब आने वाले टाइम में? देखो प्रिपरेशन का मुझे पता नहीं, क्योंकि रोडीज़ का मुझे उतना आइडिया नहीं, बट रोडीज़ जैसा मैंने प्लेग्राउंड किया हुआ है, मतलब रोडीज़ जैसा तो नहीं जैसे ट्रायआउट्स में लोग ऑडिशन देने आते हैं, बट रोडीज़ में ऑब्वियसली बात है एक स्टेप अप होगा, और लोग दूसरे टाइप के आएंगे जो
और वो साथ रहेंगे जर्नी पे, जैसे प्लेग्राउंड में नहीं रहता मैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ सोच के कि अब कैसे कैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, अच्छी बुरी सारी चीज़ें देखेंगे। तो एल्विश जब पंजाब में आता है डेफिनेटली, क्योंकि ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है एल्विश की, पंजाब में आके एल्विश ने स्पेशली अब क्या फील किया? बिकॉज आप आज आए हो हैदराबाद से सीधा, अभी हैदराबाद अभी जाना है आपने, दिल्ली से आए हो, तो अभी पंजाब में आके एल्विश को कैसा फील होता है? यार मैं जब भी पंजाब आता हूँ मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है जगह, क्योंकि बहुत खुली खुली जगह है। मतलब यहाँ पे अभी भी आपको खेत दिख जाएंगे, मतलब मैं गुड़गांव से, उधर तो ख़त्म हो गए खेत अब तो ना, इधर बड़ा खुला खुला लगता है मुझे, और लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स बड़े पसंद है मुझे भाई, रूल्स के साथ लोग चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर आके जब भी आता हूँ। एल्विश डेफिनेटली ना, बिकॉज जिस तरह के गैंग लीडर्स इसमें हैं, प्रिंस है, रणविजय भाई है, नेहा है, ये एक्सपीरियंस लोग हैं ना, रोडीज़ में रहने वाले हैं ना, तो एल्विश अभी इस स्टेप पे अभी नया है, एक्सपीरियंस ज़िंदगी के भाई तो बड़े सिखा के जाती है ज़िंदगी, हर एक समय के लिए बंदा तैयार रहता है। तो अभी एल्विश ने कोई खास तैयारी की है कि हाँ भाई, बिकॉज लड़ाई झगड़े होंगे, एल्विश का असल में रूप भी हमें देखने को मिलेगा, तो एल्विश का अभी कुछ माइंड सेट ऐसा है भाई? नहीं नहीं यार, सच बता रहा हूँ मैं, मैंने कुछ नहीं सोच रखा भाई कि मैं क्या करना क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मुझे जब PI होगा उसके बाद मैं बता पाऊँगा आपको कि क्या सोचा मैंने, जब जिस हिसाब से मेरी टीम सेलेक्ट होगी उस हिसाब उसने उसके बाद सोचूंगा मैं ये सब। एनएलबी ज़िंदगी में ना एक चीज़ इंसान की हर लाइफ में आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लगा लो, लोगों ने बुरा भला बोला, पॉजिटिव आपके चाहने वाले बड़े लॉयल थे, आपको प्यार इतना ज़्यादा मिला जिस तरीके से आपने, यू नो, हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया। तो एल्विश जब नेगेटिव टाइम आता है, एल्विश उस समय को कैसे डील करता है? बिकॉज भाई नेगेटिव टाइम वो अकेला इंसान पे नहीं, उसकी फैमिली पे भी आता है। यार पॉजिटिव्स नेगेटिव सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसे नहीं है कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, किसी की लाइफ बहुत गंदी चल रही है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का पार्ट है। और जब भी मेरी घड़ी में नेगेटिव बचता है तो मैं सो जाता हूँ भाई, और जैसे पॉजिटिव बचता है तो मैं उठ के खाना खाने लगता हूँ।